अभी मैं सुबह का जल्दी जाओ, अभी मैं फाइनली रेडी हो गई हूँ। अभी फाइनली हम लोग बस डेपो पहुँच चुके हैं। आ गए तो थोड़ा कॉफी बस में बैठते ही शौक बस में जाके आएगी ये ठंडा और पॉप आरती ने पॉप आएगी आज एक्सपीरियंस तो लें। देखो अभी सिस्टर नीचे लेने आ गई है गुब्बी के साथ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। वेलकम टू आवर ब्लॉग। तो अभी फ्रेश मॉर्निंग टी बन रही है मेरी, लेमन टी देख सकते हो, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं पसंद है इसलिए मैं थोड़ी लाइट बनाऊंगी। तो अभी मैं सुबह का जल्दी जल्दी से काम करके निकल गई थी बाहर, मुझे क्लिनिक जाना था एंड अभी 12 बजे तक आ गई थी और सोचा कि हम लोग वडोदरा जाए तो इसलिए इंस्टेंटली टिकट करवाई गोपाल ने ऑफिस से अपनी। एंड अभी मैं पैकिंग कर रही हूँ। मुझे सुबह जल्दी जल्दी में व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला, सिर्फ गुड मॉर्निंग का ही टाइम मिला। एंड अभी गोपाल ने अभी टिकट करवा दी है वडोदरा जाने की। वहाँ पे मेरी सिस्टर इन लॉ रहते हैं, हम लोग 2 या 3 ईयर से गए नहीं है वहाँ पे, तो अभी जा रहे हैं वहाँ। एंड मम्मी और पापा लोग नहीं आ रहे बिकॉज़ वो नवंबर या सितंबर में गए थे, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि हम लोग नहीं आ रहे, आप लोग जाओ, तो इसलिए हम दोनों ही जा रहे हैं। अभी गोपाल ने वोल्वो बुक करा दी है कि 3 बजे का टाइम है, वो अभी ऑफिस से आते ही होंगे, तब तक हम लोग निकल जाएंगे अभी। तो अभी यतीन का कार्ड आया हुआ है घर पे, तो वो सब देख रहे हैं। हमें वडोदरा ले जाना था तो इसलिए यतीन दे गया। तो अभी मैं फाइनली रेडी हो गई हूँ, अभी 1:45 बज चुके हैं, अभी तक गोपाल आए नहीं है, मैं रेडी हो गई हूँ। फाइनली हम लोग निकल रहे हैं। कुछ सामान नहीं आ रहा था तो मम्मी ने वो दूसरा बैग अरेंज कर दिया। अभी यहाँ सूरत में इतनी ठंडी नहीं है, बड़ौदा में है थोड़ी ठंडी, तो मैंने अपने साथ जैकेट भी कैरी कर लिया है, अभी पहनना पड़ा बिकॉज अभी सामान के लिए जगह नहीं है। एंड पापा गोपाल को आगे स्टैंड पर छोड़ने गए हैं और मेरे पास इतना सामान है अभी, लैपटॉप वगैरह, तो अभी आएंगे पापा और मैं उसके साथ जाऊंगी। अभी पापा ने हमें छोड़ दिया है और हम लोग जा रहे हैं, गोपाल बैठ गए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं बस स्टैंड, वोल्वो बुक कराया है हमने, अभी फोटो का मजा ले रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, इतने सालों बाद बहुत ही चुभ रहा है सब पीछे से। मैं बस स्टैंड पहली बार देखूंगी। क्यों पहली बार? तो वोल्वो में तो जा रही है, हर बार तो वोल्वो में जाती है, लेकिन वो 2-3 साल हो गए इसलिए भूल गई, अभी रिनोवेशन सब हो गया होगा तो पता नहीं। फाइनली हम लोग बस डेपो पहुंच चुके हैं, अभी पता नहीं है हमारी बस कौन सी है, अभी हमारा 3 बजे का टाइम है। गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेशन पे, ये बस स्टेशन पे देखो वोल्वो भी आ गई है, तो अभी हमारा 3 बजे का टाइम है, तो अभी हम वडोदरा के लिए जाएंगे क्योंकि सिस्टर ने कितने दिन से बोला था कि आप आओ आओ, तो अभी आज ऑफिस पे थोड़ा काम नहीं था तो आज हम लोग जा रहे हैं वडोदरा, तो हमारे साथ बने रहिए। और ये मैडम को थोड़ा प्रोत्साहन के लिए आप सब्सक्राइबर और थोड़ा सब व्यू बढ़ाओ, तो ये मैडम को होए कि मैं वीडियो बनाऊँ, अभी उसको थोड़ा बने करने का मूड नहीं हो रहा है क्योंकि चैनल अच्छे से चल नहीं रहा है, इसलिए तो आप थोड़ा आपका सपोर्ट चाहिए, तो दूसरों का बोलिए
आजू बाजू का सबका फोन लेके सबका सब्सक्राइब करवाए। ये मैडम अभी खड़ा है, मैं बोल रहे हूँ, वो कुछ बोल नहीं रही है क्योंकि उसके मुंह में थोड़ा मग भरा हुआ है। फाइनली हम लोग बस में आ गए हैं। देखो अभी आरती तो वॉशरूम गई है, अभी मैं बस में आ गया हूँ। तो थोड़ा आपको अभी हम वडोदरा दो तीन दिन जाएंगे तो आपको दिखाएंगे क्या क्या करते हैं हम लोग, हमारे साथ बने रहिए। देखो अभी मैडम आ गए हैं वॉशरूम जाके फ्रेश होके, अभी बस चालू नहीं हुआ, यहाँ पे खाना पीना चालू हो गया है सिंगदाणा। अभी तो सूरत स्टेशन पे ही है, ट्रैवलिंग में ऐसा होता है कि बस में गाड़ी में या जिसमें भी बैठते हैं मुझे पहले खाना चाहिए। तो अभी बस में बैठते ही सो गए, इसका जैसा सुकून मिल जाए ना आपको, जिंदगी में कुछ दिक्कत ही नहीं आएगी, कोई टेंशन ही नहीं है इसको, टेंशन बिना के आदमी है, बस में बैठते ही सो जाएंगी। भैया हॉल्ट ले लिए, अभी दो घंटे से सोई हुई थी तो अभी नाश्ता बास्ता करेंगे क्योंकि एक अर्जेंट, और यहाँ पे थोड़ा वॉशरूम जाएंगे ये सब मैडम, और थोड़ा नाश्ता बास्ता करेंगे। जगदीश में क्या खाएगी, अभी 15-20 मिनट खड़ी रहेगी, सब अच्छा ही मिलता है। थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर लिया है, वॉशरूम जाके आएगी, अभी क्या खाने का है अंदर जाके देखते हैं अंदर क्या मिलता है। तो अभी जगदीश में रुके हुए, देखो यहाँ सब जगदीश का फूड मिलता है, अवली बाज मड़े यहाँ पेस्टी है, और वहाँ पे थोड़ा नाश्ता वास्ता मिलता है। तो देखते हैं अभी क्या खाएगी, देखो इतना सारा फास्ट फूड है, क्या है क्या नहीं खाओ, आओ कौन खाओ, तो वेफर ले ले, टाइम नहीं है, फटाफट जो लेना है वो ले ले फटाफट, उसको नाश्ता नहीं करने था, वो यही नाश्ता करने का था, लेवानो ही ले फटाफट। देखो अभी ये पैकेट लेगी थोड़ा, देखते हैं क्या लेते हैं। अभी वड़ा पाव ये ठंडा, और पफ आरती ने पफ खाना था तो पफ ले लिया, तो अभी खाएंगे थोड़ा पूछेंगे। हम लोग पहुंच चुके हैं वडोदरा पे, अभी सिस्टर को थोड़ा सरप्राइज देने का था और मार्विन को भी सरप्राइज देंगे थोड़ा, पर अभी पापा ने फोन नहीं कर दिया वो सिस्टर को, तो पता नहीं उसको, पता तो फोन तो कर दिया है होगा शायद, तो क्या बोलते कर ही दिया है पापा को, वो खुजली होती है जब तक वो बात नहीं बोले ना तब, इसलिए पक्का बता ही दिया होगा दी को। छोड़ दिया है यहाँ पे, अभी जीजा जी की बेटे वो लेने आएगी, जीजा जी के साथ मार्विन होगा तो स्कूबी आपको पहले दिखने नहीं मिलेगा, वरना घर पे होगा मार्विन तो आपको स्कूबी नहीं दिखाऊंगी ना, प्यारा पप्पी है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी, दूसरे की नहीं आ रही थी। अच्छा मार्विन की भी आ रही थी लेकिन वो अलग है पप्पी वाला, जीजा जी नहीं आ रहे क्योंकि उसको थोड़ा काम आ गया है, तो अभी हम जाएंगे ऑटो में, और वडोदरा में पहली बार ऑटो की राइड लेंगे आज, एक्सपीरियंस तो लेना ही चाहिए, सब एक्सपीरियंस तो लाइफ में होना ही चाहिए, तो ही थोड़ा घमंड नहीं होना चाहिए, किसी की बात में घमंड नहीं होना चाहिए सब। मैडम अच्छा फीलिंग आएगा, अभी दो लोग जाएंगे, स्पेशल रिक्शा है,
एंट्री करवाएंगे वॉचमैन का, बाद में ऊपर जाएंगे। एंट्री करवा रहे हैं यहाँ पे, अभी अंदर जाएंगे। देखो अभी सिस्टर नीचे लेने आ गई है। कहाँ पे आने का था? आई जा। तू क्या मेव कर रहे थे? तू सरप्राइज अपन नीचे आई हो तो पची सरप्राइज नहीं देने का उसको, सरप्राइज नहीं चाहिए ना। अब इसलिए मरवा दौड़ तो नीचे आ गया। ओए लल्लू को इसलिए नहीं बताया था, सरप्राइज देना था, पर पापा ने पीछे से बोल दिया। क्या बोल दिया? पीछे से सरप्राइज सरप्राइज तोड़ दिया क्या? अभी 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 ये मेरे को मार रहा है पांजे को। अभी स्कूबी का डिस्को चालू हो गया है। आके ये खेल लगा है स्कूबी के साथ। अभी सिस्टर के वहाँ आके ही आलू पराठा का बना रही है, और यहाँ पे ऑनियन फ्राई करने के लिए रख दिया है। अभी आलू पराठा का आ गया है।